बाबा जी का, बाबा जी का। तो हम श्री सीता साहब बाबा जी का 21 दिन का तप चल रहा था। इस तप में चारों ओर कंडे की आग जलाकर और भीषण गर्मी में मई के लास्ट और 11 जून तक 21 दिन का इनका कठोर तपस्या, भीषण प्रचंड गर्मी में लगातार जहां पर पैर रखना भी दुश्वार था, जहां आप अलग अलग जिलों से लगातार इस प्रकार की भीषण गर्मी से लोगों की मौतें हो रही थी, वहीं जन कल्याण के लिए बाबा जी 21 दिन का तप करते हैं हर वर्ष। आज उनका 21 दिन का तप समाप्त हो गया है और काफ़ी दर्शक लोग और श्रद्धालु भी उनके साथ में उपस्थित हैं। आज हम बातचीत करेंगे सीता बाबा जी से कि ये 21 दिन का तप किस प्रकार से इन्हें तपस्या की और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो 21 दिन का सफ़र कैसा रहा? मौज में कैसे? कृपा है देवताओं की। आपने इतने भीषण गर्मी में कैसे तपस्या कर ली 21 दिन की? कृपा है देवताओं की। वो दर्शकों को तो बताएं कैसे, जो पता चलेगा। कृपा है महाराज, देवताओं की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, वही कराने वाले हैं, वही करते हैं। शिव भक्ति, शिव शक्ति, शिव मुक्ति, शिव के बिना न कोई, जो शिव भक्त हो का बाल ना बांका हो, बहुत साचे दरबार की। तो और भी तरीके से तो भक्ति की जा सकती है, यही आइडिया क्यों आया कि इस तरीका से ही अपने शरीर को कष्ट देकर ही तपस्या की जाए? ये नाथों की तपस्या, नाथों की, जैसे गोरखनाथ बाबा, बालकनाथ, श्री चंद्र बाबा जी, गुरु नानक देव जी के बेटे और शिव शंकर के धोने, शंकर के भक्त हैं हम लोग। तो जो नाथों के भक्त होते हैं वो इसी प्रकार से तपस्या करते हैं? जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे में चलती है, जतियों में चलती है बालकनाथ। तो जो आपने 21 दिन से जो आपने तब शुरू किया था और अब से तक किस किस तरीके से आपको दिक्कत लगी? कुछ भी तो थोड़ा बहुत लगा होगा कि गर्मी बहुत है, कैसे कर पाएंगे, क्या है? कोई नहीं, बस गुरु जी के चरणों में ध्यान केंद्रित रहा, शंकर जी के चरणों में ध्यान केंद्रित रहा, माता जी के चरणों में ध्यान केंद्रित का, बस उसी ध्यान में रहे, कोई मार नहीं चला, कुछ नहीं। तो कितने वर्ष हो गए आपको इस तपस्या करते हुए? 25-26 साल। कब तक चलता रहेगा आपका ये कार्यक्रम? ये तो ईश्वर कृपा तक, जब तक उनकी कृपा रहेगी करते रहेंगे। कृपा रहेगी बाबा जी की, तब तक आप लगातार ऐसी तपस्या करते रहेंगे और तमाम श्रद्धालु लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जब बाबा जी किस दिन तपस्या करते हैं तो आप लोग कैसे क्या मैनेज करते हैं? श्रद्धालु भजन कीर्तन भी होते हैं इनके मंदिर पर और दरबार में, तो आप लोग किस तरीके से रूपरेखा तैयार करते हैं? सबसे पहले पौनहारी बाबा जी की जय, गुरु महाराज जी की जय, आपका स्वागत है बाबा जी के दरबार में। और मनोज जी, हाँ तो हमारे गुरु जी का आदेश है, जो भी संगत आती उसका स्वागत करना, और लंगर चलता, लंगर में उनका जो भी खाने पीने का बनता व्यवस्था होती उसका सुचारू रूप से उनका करना, सबका व्यवस्था करनी, और मंदिर में बैठने को लेकर करना, अपना संगत का सब ध्यान रखना, उनकी कोई परेशानी ना हो, जो भी मैंने सेवाधार है सबका यही काम है उनका। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाबा जी तपस्या करते हैं इतने दिन तक लगातार 21 दिन तक, तो आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं और इनकी तपस्या से क्या समझते हैं? इनकी तपस्या से बस भला ही करती हैं दुनिया का बाबा जी। कैसे भला, क्या क्या होता है? जैसे कि बहुत से लोग हैं परेशान आते हैं मंदिर में, सब समस्याओं का यहाँ समाधान होता है, मंदिर में सारी समस्याओं का समाधान, कोई समस्या हो सबका समाधान है। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ जी। मेरा नाम आर के चावला है जी। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चीफ मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ। अभी पिछले महीने मैं ऐसे ही लखनऊ से आया था, यहाँ सकरिया में मैंने मकान बनवाया, मेरे झाड़ू साहब रहते हैं सामने। तो मैं बेटी की बीमारी को लेकर बहुत परेशान था, बहुत लखनऊ में डॉक्टर को दिखाया, दिल्ली में डॉक्टर को दिखाया, बेटी ने कनाडा में भी डॉक्टर, वो बेटी हमारी कनाडा में है इस समय, तो कहीं से आराम नहीं आ रहा था। फिर हमारे साढ़ू साहब ने कहा कि ये एक जगह आपको ले चलते हैं, हालांकि हमको जाना था डॉक्टर के पास लखीमपुर, लेकिन माँ की शक्ति यहाँ खींच लाई, देखा यहाँ पे बैठे हम लोग एक घंटा आधा घंटा भजन होता रहा, भजन में हमारी बेटी बहुत मस्त हो गई, लीन हो गई माता की कृपा से, हाँ भक्ति में लीन हो गई, और फिर उसको ठीक होना उसका स्वाभाविक था,
मेरे को भी लगा कि शायद मेरी बेटी ठीक हो रही है, बाबा जी की कृपा हुई, आज मेरी बेटी वापस कनाडा चली गई और वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सब माँ की कृपा है। ये सभी को ऐसी पावर, ऐसी शक्ति नहीं मिलती है, इतनी गर्मी में इतने आग के बीच में तपस्या करना, ये कोई मजाक का काम नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और माता के बहुत सारे भक्त हुए हैं, जिसमें धानु भगत हैं। धानु भगत जी भी शायद इसी तरीके से माँ के पास पहुँचे होंगे, क्योंकि मेरे को माँ से बहुत श्रद्धा है, मैं माँ का भक्त हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा जी से मिलने पर। और अभी मैं फिर आया हूँ, या दो दिन तीन दिन हुए हैं मैं यहाँ सकरिया में रुका हुआ हूँ। तो दो दिन से मैं अपने साड़ू भाई से कह रहा था कि मैं मुझे बाबा जी से मिला, और आज मैं बिल्कुल इनसे सुबह से मैंने कहा मैं मुझे बाबा जी के दर्शन करने, दर्शन करवाए। तो आज ये कहीं इनको जाना भी था, अपना सारा काम छोड़ करके आए हैं बाबा जी के, और बाबा जी को मैं साक्षात देख रहा हूँ। मैं तो बस यही कहता हूँ कि माता रानी इनको शक्ति दे, भक्ति दे, जिससे कि ये यहाँ के, आप इस एरिया के और बाहर के भी लोगों का ये कल्याण कर सके। जय माता दी। जकरा गुरु महाराज जी का बोल सच्चिदानंद की। जकरा पूर्ण हरि बाबा जी का बोल सच्चिदानंद। तो हम आपसे जाने, आपकी त्वचा उचा पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? भूत लगी हुई है बस, भूत लगी हुई है। और उधर पूछने बाबा जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी बोलेंगे बिल्कुल। तो पहले आए थे, मैंने परसों बताया ही था, ऐसे बीमार थे। इतना भी काम होए, काम अपना हो जाते, कोई बहुत ज़रूरी काम होए तब, हाँ बाबा जी से प्रेम है, दर्शन करे बगैर रह नहीं सकते, असल बात तो ये है जी। तो जी अब समापन हो गया आपका 21 दिन का, तब इसके बाद में अब क्या दरबार वैसे लगता रहेगा अपना? जी हाँ, बैठेंगे 12 से 2 गद्दी पर केवल। रविवार मंगलवार को ही संगत लगती है या वो प्रतिदिन लगाते हैं? नहीं नहीं, रविवार और मंगलवार, मंगलवार इनकी सेवा में अपस्त रहेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे इनकी, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, जब तक उसी वक्त का आशीर्वाद। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी बाबा जी की, सीता साहब बाबा जी की आपको तपस्या कैसी लगी? भीषण गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, जहाँ एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त था, वहीं भीषण गर्मी ने 21 दिन घोर तपस्या की है कठोर। आप इनकी भक्ति को क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैं मनोज कुमार आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।